एमएनएस न्यूज लाइव देश और दुनिया की खबरों में मैं ललिता आपका स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अभी कोई राहत नहीं, नागपुर में पाबंदियां कायम रहेगी। निवेश के नाम पर 1,14,00,000 रुपए की ठगी। न्यूकामठी में युवक की संदिग्ध मौत। दर्शकों अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड संक्रमण के कम होने एवं अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध होने की वजह से नागरिकों में आस थी कि पाबंदियों में थोड़ी राहत मिलेगी। बहरहाल जिला प्रशासन ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अगले आदेश तक पाबंदियां लागू रहेगी। शनिवार रविवार को अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। जिलाधिकारी विमला आर ने आज जारी आदेश में पाबंदियों को यथा आवश्यक रखने का ऐलान किया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड पॉजिटिव रेट एवं ऑक्सीजन बेड उपलब्धता के मद्देनजर नागपुर लेवल 1 पर है, लेकिन राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में लेवल 3 की पाबंदियां लागू की है। इस कड़ी में नागपुर जिले में पाबंदियां अगले सप्ताह भी लागू रहेगी। दुकानों को दोपहर 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार रविवार बंद रहेगा, केवल अति आवश्यक सेवाएं ही आरंभ रहेगी। रेस्टोरेंट को वर्किंग डे में दोपहर 4 बजे तक ही खाना परोसने की अनुमति है। होम डिलीवरी आरंभ रहेगी। मॉल, थिएटर, नाट्य गृह एवं धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। कार्यालय 50% उपस्थित पर काम करेंगे। दूसरी खबर, रामदासपेट स्थित कंपनी संचालकों द्वारा मत्स्य पालन में निवेश का झांसा देकर 1,14,00,000 रुपए से अधिक की रकम ठगने का मामला सामने आया है। आरोपियों में राजेश ताराचंद बंसोड़, कामठी श्री ओम अपार्टमेंट और कंपनी का मैनेजर राजेंद्र वाघमारे शामिल है। आरोपियों ने वर्ष 2017 में रामदासपेट जैन मंदिर के पास स्थित एक हाइट में फॉर्चून फिशरीज विजन व फॉर्चून एक्वा नामक कंपनी का कार्यालय खोला था। कंपनी के लिए आरोपियों ने NBCF लाइसेंस और RBI नियम अनुसार अनुमति नहीं ली थी। फरियादी लिखित शिकायत पर सीताबर्डी पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, MPID कानून का RBI एक्ट सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, न्यूकामठी थाने के तहत घोरपड़ इलाके के खेत में एक कुएं में युवक का संदिग्ध शव मिला। मृतक की पहचान रवि गणपत कड़ू के तौर पर की गई है। शुक्रवार को सुबह 8 बजे रवि का क्षतिग्रस्त शव प्रेमचंद खेत के कुएं में दिखाई दिया। उसके हाथ रस्सी से बंधे होने के साथ ही पत्थर भी बांधा था। रवि की हत्या की आशंका जताई जा रही है। न्यूकामठी के थानेदार विजय मालचे के अनुसार परिस्थिति संदिग्ध होने से जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। दर्शकों वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।